आगरा में केमिकल कारोबारी दिलीप गुप्ता की हत्या और डकैती की घटना के मुख्य आरोपी 25,000 के इनामी नौकर लोकेश को शुक्रवार रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे जिला जेल रोड पर घेरा था, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके दाहिने पैर में लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने कर्ज उतारने के लिए वारदात कराई थी। लोकेश के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, रिवियार और लूटी गई नकदी में से 3,300 रुपए बरामद हुए हैं। आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 को थाना हरी पर्वत में सूचना मिली कि थाना हरी पर्वत में कारित हुई लूट और मर्डर, डकैती और मर्डर का नामजद अभियुक्त लोकेश, जिसके ऊपर 25,000 का रिवॉर्ड भी है, वो मूवमेंट कर रहा है। सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश की तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया और जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ है। अभियुक्त को आवश्यक प्राथमिक उपचार के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अभियुक्त के पास से एक घटना में लूटा गया DVR, एक इलीगल वेपन, कुछ राउंड्स और कुछ कैश और एक चेन बरामद हुई। तो यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो ने मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो इज 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती थी, जो अब की इस टाइम पर एक बार ही मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद में अब दोबारा आया हूँ तो इज 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने मैं गंगाराम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज़ अब बेटर है।